तो गाइस मैं अभी यहाँ पे हूँ फ्लोरिकन गार्डन के नीचे, तो मैं आपको ऊपर का एक गार्डन का व्यू दिखा देता हूँ, तो आप लोग देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको ये सब व्यू। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसे बोलता है बॉक। तो ये मतलब एक पक्षी है जो अपने बच्चे के मुंह में मछली डाल दे। तो आप लोग ये नज़ारा एक बार देख लीजिए, देखा आपने, बहुत ही प्यारा लगता है ये सब देखने के लिए। तो मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ, ये देखिए आप लोग। तो गाइस यहाँ पे एक फ़ोटोशूट करने के लिए एक गार्डन भी है, यहाँ पे बहुत सी लोग वहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का फूल वगैरह रखा हुआ है, तो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। मतलब फ़ोटोशूट करने के लिए अच्छा है जगह, अच्छा है, तो फ़ोटोशूट करने के लिए बहुत सही जगह है वो। पहले ऐसा नहीं था फ्लोरिकन गार्डन जो बिल्कुल ख़राब हुआ था, इस बार न्यू है, मैं पूरा मोटिवेट किया इसे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहा था यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा फूल यहाँ पे है, ये वही आपका मैरीगोल्ड, रोसेस, बाकी बहुत सा फूल है यहाँ पे रोसेस भी है, वाइट रोज, ब्लैक सॉरी रेड रोज, यहाँ पे बहुत सी चीज़ है। तो यहाँ पे फ़ोटो भी बहुत सही आता है, यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और शाम की टाइम में अगर आया तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है, बैठेंगे आप लोग यहाँ पे, दुकान वगैरह भी है, चाय वाय पियेंगे, मस्त है। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक फील्ड जैसा है, यहाँ पे इतना क्लीन है कि आप लोग देख सकते हैं, इतना क्लीन है कि यहाँ पे लोग आके बैठता भी है, और यहाँ पे स्पीड वगैरह भी थूकना अलाउ नहीं है। और ये क्या है, थूकना अलाउ नहीं है। और साइड में आप लोग देखिए यहाँ पे बगीचा लगाया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बैठिए लेटिए, लेकिन एक कचरा नहीं मिलेगा आपको। तो गाइस ये सब पौधा अभी लगाया है, इसलिए छोटा छोटा है। फ्लोरिकन गार्डन आप लोगों को मैं आज दिखाया है, तो यही है मेन व्यू यहाँ का, यहाँ पर फोटोशूट वगैरह होता है, यही मेन पॉइंट है यहाँ का। तो उस साइड भी कुछ है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। एंड जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आश्रम इज फेमस फॉर वन ऑन डायनासोर्स, तो वन ऑन डायनासोर्स का यहाँ पे एक स्टैचू लगा है, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो मैं उस साइड गया था, साइदुल भाई और मैं गया था ब्लॉग शूट करने के लिए, और अपना खैरुल भाई यहाँ पे लड़की को तार रहा है, देखो। जैसे मैंने आपको बोला था वन ऑन डायनासोर्स आसाम के लिए फेमस है, तो यहाँ पे एक वन ऑन डायनासोर्स का स्टैचू बनाया, यू कैन सी। यार खैरुल ऊपर उठो भाई, ये देख नल्ले, मैं भी हूँ यार। खैरुल का गांड बढ़ा दूंगा, दाढ़ी नहीं आ रहा है, सक्का है। कुछ बोलो क्या, आपका गर्लफ्रेंड क्या कॉल आया है भाई, देखो ये भाई 45 नंबर का है, 45 नंबर का है, 45 मतलब क्या भाई, मेरा चाचा का बेटा बेटी नहीं भाई, मेरा आंटी का बेटी है, ले ले बात कर। लेकिन यहाँ पे वन ऑन लाइन सोर्स के साथ मैंने खैरुल भाई की रिश्तेदार को भी देखा यहाँ पे। खैरुल भाई, हाँ तुम्हारा दादाजी यहाँ पे, नहीं खैरुल का दादाजी यहाँ पे, इसका दादाजी का हाथ भी नहीं है, हाथ भी नहीं है ना, हाथ तोड़ दिया है एक, तो देखो एक हाथ तो है, ये देखो भाई लोग, एक हाथ तो है लेकिन एक हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है खैरुल का, दादा का एक हाथ नहीं है इसका। जाओ जाओ दादाजी से प्यार जता लो, देखो क्या चाहिए बे, खैरुल का नहीं, खैरुल का रिश्तेदार वहाँ पे देखा मैंने, और यहाँ पे अपना साइदुल भाई का नानी, ये देख भाई बंदर। अबे आरामी क्या कर रहा है, लिप किस कर रहा है क्या, अबे क्या चल रहा है, हा? ले लो तरकता पोदिन ना।
अपना राउंड 12 के वीडियो में जैन शाबी ने कहा बोला था अल्ताफ भाई को मुंह में नहीं लूंगा मुंह में डालू क्या मुंह में डाल ले 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 बहुत ठीक है आईफोन मिलेगा भाई मुंह में डाल ले आजकल का ट्रेंडिंग है ना ए टुको 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 तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग लेके।